हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन जो कि हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो भैया, इसमें सब लोग निकालते हैं गन्ने का जूस, लेकिन हम लोग गन्ने का जूस इसमें नहीं निकालेंगे। हमारे पास में है ये एक मोबाइल फोन और हम इस फोन को डालने वाले गन्ने के जूस निकालने वाली इस मशीन के अंदर। इधर से दिखाओ, उधर से सही नहीं दिखेगा। देखो, इसमें दो रोलर होते हैं और पता है हमको हमेशा ये रोलर देख करके एक डर सा दिमाग में होता है। जब इसमें गन्ना जाता है ना, हमको डर लगता है कि अगर इसमें हमारी उंगली चली जाए या इसमें कोई भी चीज चली जाए तो भाई साहब ये उसको क्रश करके रख देगा। तो इसीलिए आइडिया हमारे दिमाग में, हमने सोचा कि अगर इसमें फोन डाले तो क्या होगा। और ये है एकदम नया, एकदम देखो सील पैक फोन। इसका जो अभी तक ये जो सील है ना, ये भी हमने नहीं हटाई, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग यार नया फोन नहीं लाते। तो भाई एकदम नया, हर बार नया ही होता है, ठीक है। तो इसको डालेंगे, इसमें देखते हैं क्या होता है। और यार आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना प्लीज, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और यार आपका भाई जो है उसने आज गन्ने वाली मशीन भी चला ली यार काफी मजेदार चलती है, डीजल इंजन लगा है, सिंगल जो सिलेंडर है और खट 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 के साथ में मजेदार तरीके से चलता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं हम। ये जो मशीन है ये चलती है इस डीजल इंजन से। इसका जो डीजल इंजन है वो बाहर ही रखा हुआ है। ये 10 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि सिंगल सिलेंडर है और ये यहां से स्टार्ट होता है। तो आपने पता है गन्ने का जूस ही पिया होगा हमेशा, कभी भी उसकी जो मशीन होती है उसको बाहर से देखा होगा, अंदर से नहीं देखा होगा कि वो कैसे काम करती है, कैसे जूस निकलता है। तो हमको लगा कि यार ये चीज भी आपको दिखाना चाहिए क्योंकि ये भी काफी मजेदार है। और एटलीस्ट जो यार जो मैकेनिकल चीजों में जिनको इंटरेस्ट आता है उनको तो बहुत मजा आएगा इस चीज में। तो ये इंजन यहां पर स्टार्ट होगा और सारी जो चीजें हैं वो आगे वाली जूस निकालने वाली, इसके चलने वाली, इसकी ड्राइव शाफ्ट, सब कुछ इसी इंजन से कनेक्टेड है। सभी को पावर इसी से ही मिलती है। वो आगे गन्ने का जूस भी इसी से निकलता है, एक शाफ्ट इसमें से जा रही है जो कि आगे उन गियर्स में लगी हुई है, ठीक है। तो और यहां पर एक बार मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। एक बात और बता रहा था कि इसमें जो है गियर बॉक्स भी लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवर्स, चार गियर्स हम इसमें लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको स्टार्ट करता हूं, इसको गोल गोल घुमाना पड़ेगा और इसका ये जो क्लच है यहां पर इसको डाउन करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको। और भाई ये काफ़ी जो है टाइट है फिलहाल। अरे यार कैसे घूमेंगे, अरे यार गाड़ी गियर में है यार, मेरी गलती नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्लच दबा के न्यूट्रल कर लेते हैं इसको भैया। हाँ ठीक है, मैं सोच रहा है यार घूम क्यों नहीं रहा वो। तो ये जो मशीन थी ये गियर में थी, मैंने बताया इसमें गियर बॉक्स है, अब ये घूम जाएगा। तो इसको घुमाते हैं। ऑल राइट, और जो मशीन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आगे वाली जो सारी चीजें हैं इसको इसमें लगा देता हूँ, आगे वाली जो सारी गियर्स हैं वो यहाँ पर घूमना शुरू हो चुकी हैं। और इस साइड में इधर आओ, इधर आओ, इधर जो है गन्ना जाता है, इसमें जाता है गन्ना। देखो ये जो है गोल गोल घूम रही है और दूसरी साइड में जो गन्ना है वो निकल करके बाहर आता है।
जूस यहाँ पर नीचे कलेक्ट होता है। तो यार एक काम करते हैं, पहले जो इसमें थोड़ा सा जूस ही निकालते हैं, उसको पीते हैं, थोड़ी एनर्जी लेते हैं और उसके बाद में फोन डालेंगे, ठीक है? हाँ। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। यस तो भाई यहाँ पर गन्ने का जो जूस है वो आ चुका है। गाइज ये है गन्ने का जूस, मेरा खुद का निकाला हुआ बिना मिलावट वाला, पहली बार खुद निकाल के पी रहा हूँ। एकदम मीठा और एकदम फ्रेश। तो गाइज इस मशीन को यार बहुत चला लिया और सच्ची में इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब एकदम नई चीज़ है, खट 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 करके चलता है, स्पीड वैसे पकड़ता नहीं है, लेकिन यार एक अलग चीज़ है और पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि अलग ही मज़ा आता है। तो अब इस फ़ोन को खोलते, देखो इसके ऊपर जो सील है वो यहाँ पर लगी हुई है, मैंने आपको पहले भी दिखाई है। तो फटाक से इसको खोलते हैं और फ़ोन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि भैया फ़ोन ही हमको इसमें डालना है। यार बड़ी मजबूत सील जो इन्होंने लगा रखी है इसके ऊपर। अरे हट जा भैया हट जा। तो यहाँ पर ये जो है खुल चुका है और फ़ोन आने वाला है आपके सामने। तो भाई साहब यहाँ पर रखा हुआ है आपका और हमारा चमचमाता हुआ फ़ोन एकदम नया। इसमें बैटरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बैटरी है वो यहाँ पर होती है बिल्कुल। यहाँ पर हमको एक चार्जर मिलता है और एक बैटरी मिलती है जो कि इस पन्नी में है। उसके अलावा कुछ यूज़र मैनुअल और बाकी चीज़ें तो इनको रख देते हैं, चार्जर भी नहीं चाहिए। और बैटरी जो है उसको फ़ोन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि बिना बैटरी के फ़ोन चलता नहीं है। इन फ़ोन्स में यहाँ से ढक्कन खुलता है। किस किस ने ऐसे फ़ोन्स यूज़ किए हैं नीचे कमेंट्स में बताओ यार। मैंने जो है अपने जब मैं स्कूल में था 11th 12th क्लास में, तब मैं अपने घर वालों से बात करने के लिए ऐसा फ़ोन यूज़ करता था, क्योंकि इसमें पता इंस्टा फेसबुक नहीं चलता, तो टाइम वेस्ट नहीं होता। तो बैटरी मैंने लगा ली और अब इसको ऑन करते हैं ज़रा। बिल्कुल यहाँ पर ऑन हो चुका है और अच्छी बात है। मुझे डाउट था कि इसमें बैटरी रहेगी या नहीं, क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ। देखो आवाज़ भी आई है, चालू हो चुका है। तो गाइस अब सब कुछ रेडी है। देखो जो फ़ोन है वो एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है, 2222 नंबर डायल कर रहा है। तो अब इसके अंदर डालते हैं। मोहित कर दे स्टार्ट ज़रा, उधर हो रहा है ये हमारी मशीन स्टार्ट। और यहाँ पर देखो फ़ोन जो है, क्या हुआ मोहित, बस निकाल ले। तो गाइस मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब इसमें फ़ोन जाने वाला है, बड़े ध्यान से रहना सब लोग, ठीक है। तो इस कैमरा का भी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर दिखाने के लिए। डालू? हाँ डालू, जाने दे। ये गया भाई, अरे यार जान ही रहा अंदर। तो गाइज एक बार ज़रा हालत देखो यार फ़ोन की, ये किस तरीके का हो गया। लेकिन जो ढक्कन है वो बच गया, जो बैटरी है वो बच गई। एक बार फिर से कोशिश करते हैं इसमें बैटरी डालने की, दोबारा लगाएंगे। लेकिन यार यहाँ पर ये जो बैटरी है ना इसमें फिट नहीं आ रही, क्योंकि फ़ोन जो है वो दब चुका है। तो भैया बैटरी इसमें नहीं डल पाएगी, नहीं डल रही भाई। मुझे पकड़ ले, बैटरी रहने देते हैं। एक काम करते हैं फ़ोन को फिर से बंद करते हैं और दोबारा डालते हैं, क्योंकि जो गन्ने का जूस है वो भी एक बार में नहीं निकलता। मोहित स्टार्ट कर भाई। गाइस यहाँ पर मैं प्रेशर भी बढ़ा रहा हूँ इस बार, बिल्कुल मैंने प्रेशर जो है काफी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से डाल रहा हूँ हमारे फोन को, तो देखते हैं इस बार। हो गया हो गया, ये ढक्कन भी देता हूँ। जो फोन है उसकी स्क्रीन और ज्यादा खराब हो चुकी है, देखो यार एक बार। तो यार ये उखड़ चुका है यहाँ पर। तो काम करते हैं फिर से डालते हैं इसको, एक बार फिर से। ये गया, ओह
अबे यार इस बार जो फोन है उसकी क्या हालत हो गई, देखो ये कैसे पिचक गया भैया। यार क्या खतरनाक चीज है ये, मतलब आप लोग सोचो कि जो फोन है उसकी हालत क्या कर दी। पर कवर कहाँ गया, ये रहा कवर भाई, कवर के अंदर भी देखो कैसे निशान हो गए, एकदम फ्लैट था ये, और देखो ये अंदर भी घुस गया यहाँ पर। लेकिन जो फोन है उसकी स्क्रीन का देखो चूरा बन चुका है, देखो ग्लास तो नहीं है ना कि मेरे हाथ में लग जाए, देखो ओ शिट यार अंदर की चीज़ें निकल गई हैं इसकी। तो भैया फ़ोन यहाँ पर देखो इससे खुल चुका है, क्या हाल हो चुका है। तो इस मशीन में भैया अपना फ़ोन या अपनी उंगली या अपनी कोई भी चीज़ मत डालना, नहीं तो ऐसा हालत हो जाएगा। थोड़े से मजे और लेते हैं, एक दो बार और स्टार्ट करते हैं। चलो इस बार ये जो मशीन है फुल प्रेस है, पूरा दम है, इस बार डालते हैं। तीन बार हमने और डाला, इस बार जो प्रेशर है दोनों साइड से एकदम फुल कर दिया था। और ये एक मोबाइल फोन है। क्या आप मानोगे कि ये एक मोबाइल फोन है? ये अंदर की एक चिप है, ये हमारा फोन है, ये हमारा कीपैड है। और यहां पर इसने इसकी क्या हालत कर दी है भाई। गाइस ये चीज वास्तव में बड़ी खतरनाक थी, और ढक्कन इसमें गिरा हुआ रह गया। तो अरे ओए बढ़ गया, इसकी लंबाई बढ़ गई यार, देखो इसकी लंबाई चौड़ाई बदल गई, इसमें रोलर से ये फ्लैट हो गया, लंबा हो गया, देख रहे हो मतलब कितना ज्यादा हार्ड है इसको प्रेस करता है। तो भाई साहब बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, अपना कुछ भी इसके अंदर मत डाल देना गलती से भी, बहुत ध्यान रखना, जूस पीने काम आती है वही काम लो, मस्त रहो। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा, अगर आपने ये चीज पहली बार देखी है तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर से ठोक देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और नई नई मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।